तो दोस्तों नमस्कार, आज हम आ गए हैं बाराबंकी जिले देवा शरीफ, और यहाँ के एक मशहूर थे फकीरे, जिनका नाम फकीरे था। तो इन्होंने एक काला खुरमा है उसके समझ लो जनक थे। तो आज उनके नाती पोते और पता नहीं कितने नाती पोते सब खानदान के लोग हैं और खुरमा बना रहे हैं। तो हाँ, आज हम दिखाएंगे खुरमा कैसे बनते हैं और खुरमे में क्या क्या पड़ता है। तो जीसान जरा कैमरा घुमाओ, जरा पहले इधर आएंगे हम। हाँ तो ये देखिए, आ जाओ भाई। जीसान भैया नमस्कार। नमस्कार, आपका क्या नाम है? अब्दुल हफीज। अच्छा, ये खुरमा कब से बना रहे हैं आप? ये हमारे दादा से बनता है। हाँ। और वो चुन्ने नाम है उनका। अच्छा, चुन्ने। और इसके पहले फकीरे थे? जी नहीं नहीं, उन्हीं के लड़के थे, फकीरे। अच्छा। मुझे अजमेरी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जन्म समझ लो जनक है उनके। चौथी पीढ़ी से चल रहा है ये। चौथी पीढ़ी से जी। इसके पहले काला खुरमा कहीं नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता था। अच्छा, ये क्या बना रहे हैं जरा? मेरे दादा ही खुरमा बनता। एक मिनट दिखाएं जरा। अच्छा भैया, ये क्या फेंक रहे हो? ये खोया, खोया है। खोया? हाँ। ये खोया है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें जो है वो बेकिंग पाउडर पड़ता है, सोडा पड़ता है। अच्छा अच्छा, फुलाने के लिए। अच्छा, ये क्या है, चीनी? नहीं नहीं, ये मसाला है। अच्छा मसाला, यानी खाने का सोडा। हाँ। और बेकिंग पाउडर। अच्छा, ये डाल के ये? यही 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 इसे मिक्स है जी। सोडा है और जी बेकिंग पाउडर है। अच्छा, ये डाल के इसमें बनाया जाता है, घी पड़ता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद में जो है ये काटा जाता है, खुरमे बनाए जाते हैं। असल में क्या, इसको हम खाने जा रहे थे, हमने सोचा घुटी शक्कर है, घुटी से है लग रहा है इसे, है ना जी। तो अभी तैयार है खुरमा, तैयार हो रहा तो? अच्छा एक मिनट दिखाते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या डाले हो? इसमें मैदा पड़ेगा, मैदा खोया है, मैदा है, और ये मसाला पड़ेगा, मसाला, बस मसाला है, बस बेकिंग पाउडर है, सोडा है, खाने वाला मीठा, उसको कस के घेर लिया है ना, तभी वो गुब्बारे तरह स्पंज होगा। हाँ। है ना। और उसके बाद तेल में तला जाएगा, तेल में जैसे गुलाब जामुन तलते हैं, गुलाब जामुन बनते हैं समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए तो ये तेल में तल के फ्राई हो चुका है, ऐसे बन के तैयार होता है। अच्छा अच्छा, ये जो है ऐसे बन के तैयार होता है, इसको खुरमा कहते हैं, काला खुरमा। अच्छा अच्छा, ये एकदम इसका जायका जो है गुलाब जामुन जैसा होता है, खा के देखिए। कभी नहीं खाया था मैं, टेस्ट करूँ क्या? हाँ खा के देखिए, आप भी खाइए। और यहाँ की ये मशहूर चीज़ है, कई सालों से ये चीज़ यहाँ पे बिकती है, ये हमारे दादा ने यहाँ स्टार्ट की थी। गजब का स्वाद भाई मेरे जी, गजब का स्वाद जिसको कहते हैं, इसीलिए तो ये मशहूर है। हुँ? जी इसीलिए। और ये खराब भी नहीं, ये फ्रीज में रख दिया जाए, उसके बाद में सीरे में फिर आप डाल लें। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ताज़ा ही हो जाएगा, और सूखा खाने में और जायकेदार होता है। सिर्फ ऐसे खाने का है? अब इसके अंदर कुछ नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, ये अब सूख जाएगा। अच्छा, जब ये सूखेगा तो एकदम जो है बेहतरीन हो जाएगा, खुरमे जैसा। अच्छा अच्छा अच्छा, कड़क जी। हम भी मैदे का खुरमा बनाते थे हमारे पिताजी जी, लेकिन बाद में उसको चीनी से पकाते थे। उसके ऊपर चीनी चढ़ती थी। हाँ, वो मैदे का बनाते थे। लेकिन ये अलग है, इसे बनता है। हाँ, छेने से। चलिए, और क्या क्या बनाते हो भाई आप? पेड़ा बनता है हमारे वहाँ। अच्छा, बनाओ बनाओ। हाँ देखो, ये आपकी दुकान देवा में बड़ी मशहूर है सुना? जी हमारी दुकान बहुत पुरानी है। अच्छा अच्छा, ये पेड़ा है। अच्छा, ये दूध और खोया डाल के भुना जाता है। अच्छा अच्छा, और भून के उसके बाद में इसका जो है पेड़ा बनाया जाता है। ये जो पेड़ा भुना है जी, इसमें भून के लाल किया है कि इसमें कलर डाला? कलर कोई नहीं पड़ा है, यही तो तारीफ है जी। कलर जब कोई, तक खोया को लाल कढ़ाई में नहीं करेंगे तब तक ये इसके अंदर जायका नहीं आएगा। हाँ, इसको बिल्कुल बिल्कुल जी, जायका नहीं आएगा, और उसके बाद में ये खाने में बहुत ही अच्छा होता है। खाइए, आप भी खाइए, आप भी खाइए, और इसका टेस्ट बताएं, इसका टेस्ट बताएं कैसा है। कभी देवा में आना तो मैं यही कहूँगा, खुरमा खाओ ना खाओ लेकिन ये पेड़ा जरूर खाना जी। मैं तुमको बता दूँ, पेड़े तो बहुत खाए होंगे, बड़ी बड़ी दुकान में लिया होगा। हालांकि एक पेड़ा तो भाभी खिलाओ जरा। नहीं 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 नहीं, भाभी को, भाभी का टेस्ट बताओ, जब भाभी टेस्ट बताइए, सच बताइए, आप टेस्ट बताएंगी, सच बताइएगा। बहुत अच्छा है, पेड़े तो बहुत बनाते लोग, देखने में भी बहुत खूबसूरत और खाने में भी लाजवाब। देखिए इसमें कलर नहीं डाला इस पेड़े के अंदर, बहुत सारे लोग क्या, ये केवल भून के कलर हुआ है। हाँ हाँ,
कुछ लोग करते हैं कि भूनने ना पड़े, कलर डाल दो, है ना, तो फटाफट हो जाता है। तो इनकी तारीफ ये कि इन्होंने खोए को लाल किया है, लाजवाब, बहुत अच्छा। उसके बाद में जो है कोई भी प्रोग्राम सरकार में हमारे होता है तो हमारे दादा से वहाँ मिठाई जाती है, कुल हुआ या जो है मिला शरीफ हुई, कुछ भी हुआ तो हमारी ही दुकान से, हम सरकारी हलवाई हैं। अच्छा जी, तो आपकी कोई अगर मंगाना चाहे तो आपको कोई कॉन्टेक्ट नंबर है? अब नंबर तो नहीं है, अब यहाँ जी हाँ मोबाइल नंबर है, बता दो जरा नंबर, मोबाइल नंबर बता दो। एक मिनट, तुम बताओगे? एक मिनट बताओ जरा। 73 एक मिनट 73 एक मिनट, अपना नंबर बताओ जरा। 73 79 0 8 36 11 तो इस पेड़े का क्या रेट है? ये 280 रुपए का बिकता है। 280 रुपए की कितना? एक किलो। अरे तो एक काम करो, 280 रुपए किलो है तो इसको एक एक किलो के डब्बे के दो डब्बे पैक कर दो, ठीक है? हम लखनऊ वालों को दिखाएंगे पेड़ा, हम पेड़ा तो बहुत खाए हैं। और ये भी बताना, देवे शरीफ हसीफ की दुकान से लाए हैं? हसीफ की दुकान से जी, हसीफ यहाँ से पता चल गया ना, हसीफ की दुकान से लाए हैं। अच्छा, और उसके बाद में जो है यानी कि उनके दादा का नाम चुन्ने है। अच्छा, हम एक बार गए थे जी, लोग कहते हैं मथुरा के बहुत पेड़ प्रसिद्ध हैं, तो मथुरा से ये अच्छे पेड़ हैं। आप खाया है? नहीं, नहीं। ऐसा बात नहीं, आपको जायका मिला होगा। हाँ। तो बेटा 2 किलो वो पैक करना पेड़ा, है ना? ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है लगा, कभी भी आप देवा आइए तो अगर दिल करे तो पेड़ा यहाँ से ले जाओ, है ना? और बाकी काले खुर में तो हमारे मशहूर है। अरे काले खुर में तो है ही है, एड्रेस बता दो, एड्रेस बताओ। आस्ताना रोड दूसरी ढाल, हमारा जो है बीचों बीच पे ठेला लगता है और यहाँ पे दुकान पे भी बिकता है। अच्छा, दुकान कुछ नाम है? अब्दुल हसीफ। अच्छा, दुकान के लेकिन बोर्ड कुछ लगा नहीं? नहीं, यही लगा था लेकिन हट गया, यहाँ बोर्ड लगाना जोड़ती नहीं, ऐसे नाम है। हमारे कस्टमर जो है ऐसे ही आते हैं, सरकार के चाहने वाले जो मेहमान आता है। अच्छा। बहुत शौक से ले जाता है तो, और एक मर्तबा यहाँ आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत ही यानी दोबारा कहीं नहीं जाता है, हम यही आता है जी। अच्छा जी, तो ये भी दोस्त तुम भी यही रहते हो क्या? तुम भी रहते हो यहाँ पे? नहीं नहीं, ये नहीं रहते, अगल बगल में रहते हो? हैं, कभी पेड़ा खाया नहीं खाया? ये जो लड़के हैं हाँ? तो ये जो है कोई नौकर नहीं है। अच्छा अच्छा, ये भतीजा है, वो भतीजा है। हाँ। आजकल छुट्टी है स्कूल की? नहीं नहीं, नहीं, हम भी से छोटे छोटे थे तब से काम करते थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ देखिए, गली दिखा दो भैया जरा, है ना जिसान, ये गली दिखा दें। हाँ ये देखिए, हाँ ये आ गए हैं, गली दिखा देते हैं हम भैया। 2 किलो अलग अलग करना है? एक एक किलो आपका अलग? हाँ हाँ अलग अलग, हाँ पता चले। चार नहीं तो, हाँ हाँ, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा ना पेड़ा? अब पेड़ा खाने के लिए आओगी यहीं पे? देवा चादर भी चढ़ेगी, हाँ पेड़ा भी खाने को मिलेगी, क्यों? तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है, अब हम देवा के लिए निकल रहे हैं, देवा से लखनऊ। किसान अब वीडियो बंद कर दो भैया, है चलो अब कहीं तीसरे पड़ाव पे चलते हैं। अगर किसी को कमेंट करना है तो हिंदी में कर देना, नंबर तो दे दिया, और हमको मत लगाना कोई भी इस समय फ़ोन, ठीक है भाई? हैं, चलिए बाय बाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देवा में आपने इज्जत दी और बहुत ही किया, तो मास्क लगाते हैं हम, ऐसा नहीं मास्क लगाते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे भाई मास्क नहीं लगाते हो, तो हम मास्क भी लगाते हैं और इधर भी ठुकवाए भी है, सब किए हैं, बस क्या है हमेशा नहीं लगाते, अभी पेड़ा खाना था तो मास्क लगा नहीं खाते हैं, तो उतार लिया था, तो किसी पर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप नमस्कार, ठीक है? तो भैया कितना पैसा हुआ, कितना पैसा हुआ टोटल बताओ? नहीं 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 रुको, नहीं नहीं, कितना पैसा हुआ? हाँ तुम्हारा, हाँ 280 हो गए, ये 520 500 क्यों लेंगे भैया, 200 पूरा? नहीं नहीं नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं, ये है तो किसान भी पेड़ा खाएंगे, भाभी भी पेड़ा खाएंगे और हम भी पेड़ा खाएंगे, किसी पर की कोई दिक्कत नहीं। अगली काला खुरमा हमारी तरफ से सब लोग। अरे देखिए यार, अरे 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 इतना नहीं भाई, अरे क्या बात, तो ये तबर्रुक है सरकार का, इसको ले जाना, ये सरकार का तबर्रुक है, इन्होंने भाई एक काला खुरमा दिया है ना, तो
तीन डब्बे हो गए, हमको शुगर है लेकिन खाते नहीं, लेकिन खाना पड़ेगा। नहीं तो आम के लिए शुगर फ्री है। हाँ, किसी को बताया नहीं था। ऐसा है भाईजान, शुगर फ्री है, कुछ लेके आओ। शुगर फ्री बनाते हो जी? क्या बर्फी? अरे खाइए तो बहुत बेस्ट है। अरे यार टेस्ट करेंगे हैं, बहुत जरा से भैया जरा से चख ले भाई, चख ले पूरी पीस आप खा जाए। अरे कोई नुकसान नहीं करेगी। ये तो दूध वाली लग रही जी। अच्छा भाभी खिलाओ, भाभी क्यों हो से मीठा नहीं खाए सारी कसर आज पूरी। अरे यार कार के वह गरम सब कुछ भी नहीं होगा, आप खाइए। हूँ बहुत ही बेहतरीन बनती है, दिखा के। तो शुगर फ्री बर्फी इसका क्या रेट है ये? अरे 300 रुपए में बिकती है, लेकिन बड़ी दुकानों पे ज्यादा महंगी बिकती है। और इसमें जो है हम पाउडर डालते हैं शुगर वाला। अच्छा अच्छा। हाँ वो खीर में पड़ता है, वही हम जो है बर्फी में डाल देते हैं। 800 है, 600 है, शुगर फ्री 900 है। लेकिन हम जो है हम सरकार के वहाँ मेहमान आते हैं, इतनी नफा ले नहीं पाते हैं हम। बाबा उतना ही देंगे। हाँ तो ये इनका कारखाना भैया? झूठी नहीं है, झूठी की बात नहीं है। नहीं नहीं हमारी है, हमारी है। अबे नहीं नहीं, अबे नहीं मैं देवा। अच्छा चल ठीक खा ले। अच्छा इतनी दूर आए हैं, देवा शरीफ आए हम लोग तो चेट नहीं कर सकते। एक गटक गया आपके सामने, लेकिन खाएगा यार 10 पीस 10 पीस एक। हाँ बदनाम कह रहा, बदनाम कह रहा, 10 पीस चाहिए इसको। चलिए भाई। मौला वारिस, मौला वारिस।